हेलो फ्रेंड, मैं हूं तौफिक। वेलकम टू टेक्निकल ट्रिक जोन। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड के बारे में। जी हां, आप सही समझें, ये एक ऐसा कीबोर्ड है जैसे कि आपका कीबोर्ड का लुकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा और आप जो टाइपिंग करते हैं वो गुड लुकिंग होगा और दूसरे भी जो है उसके बाद उसको देख करके अच्छा लगेगा उन्हें। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज आपको वीडियो बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना होगा कूल ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड। ओके, कूल ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड लिखने के बाद ये बहुत सारा आपके पास लिस्ट आएगा, तो उसमें जो टॉप वाला है 18 MB का, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है आपको सिस्टम में। डाउनलोडिंग अभी चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा। इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माय फोटो कीबोर्ड लिखा हुआ है और इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन दे रहा है इनेबल करने का, तो वो कीबोर्ड इनेबल करने का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, तो इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं हम। देखिए, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो ये बटन है इनेबल कीबोर्ड, पहला ऑप्शन, इसे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड का ऑप्शन आया, इसे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ठीक है, ये इनेबल हो गया। उसके बाद यहाँ से निकलना है। उसके बाद दूसरा है स्विच कीबोर्ड। स्विच कीबोर्ड का जो ये ऑप्शन दिखा रहा है, इसे भी क्लिक करना है और इसे भी इनेबल करना है। यहाँ पे सेकंड में आप देखिएगा ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड है, तो इसमें भी ओके करके इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जैसे कि हमारे कीबोर्ड में इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए कुछ फ़ोटो डालना पड़ेगा, तो उसके लिए जाते हैं इमेजेस में। सॉरी, एडवर्टाइज आ रहा है। तो इमेजेस में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन देता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला, तो पोर्ट्रेट में हम रहने देते हैं। और यहाँ पे सेट बैकग्राउंड इमेजेस, इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये बार बार एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। ये टेक फ़ोटो, चूज़ फ्रॉम गैलरी और कैंसिल, ये तीन ऑप्शन है, तो हम चूज़ फ्रॉम गैलरी करते हैं। चूज़ फ्रॉम गैलरी करने के बाद ये गैलरी वाला ऑप्शन, उसके बाद जाते हैं कोई सा भी यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेते हैं। जैसा कि मैं एक फ़ोटो ले ले रहा हूँ यहाँ से, ये फ़ोटो आ गया है। अब इसे क्या है, फ़ोटो क्रॉप, यहाँ पे देख पाते हैं ऑप्शन है, ये फ़ोटो क्रॉप का ऑप्शन है। यहाँ पे सेव का नीचे में ऑप्शन है, देख सकते हैं, और कैंसिल का है, तो इसे सेटिंग करने के बाद इसे क्लिक कर। तो मैंने सेटिंग कर लिया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से सेव कर दे रहा हूँ। ये सेव होने के बाद बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलने के बाद मैं मैसेज में जाता हूँ। मैसेज में जाने के बाद मैसेज टाइपिंग में जाता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कीबोर्ड का जो लेआउट है, जो बैकग्राउंड है, वो आपका उसी पिक्चर आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड का कमाल है। इस तरह से दोस्तों आप अपने कीबोर्ड में किसी तरह का भी इमेज डाल सकते हैं, किसी तरह का भी फ़ोटो वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि किसी एनिमल का हो गया, किसी भी नेचर का हो गया, अपना हो गया, अपने फ्रेंड का फ़ोटो हो गया, किसी तरह का भी फ़ोटो डाल सकते हैं। और ये आपके मोबाइल के लुक को बहुत ही ऑसम कर देता है, आपके कीबोर्ड के लुक को बहुत ही ऑसम कर देता है।